कर गया। वहां से मेरी मम्मी के ऑक्सीजन लेवल नौपात पूछने में मेरी मम्मी का ऑक्सीजन लेवल 55 था। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए मेरी मम्मी का रेफर मायागंज में कर दिया गया। मायागंज जब मैंने गया वहां पर कोरोना के पेशेंट अधिक होने के कारण फर्श पे ही कोरोना पेशेंट से बैठे हुए। मैंने अपनी मम्मी का बेहतर इलाज के लिए वहां के नजदीक एक प्राइवेट अस्पताल हिंदिया अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। और उन्होंने सीटी स्कैन सबसे पहले मेरी मम्मी का किया। सीटी स्कैन में मेरी मम्मी का 80% फेफड़ा कोरोना से इफेक्टेड हो चुका था। और सीटी स्कैन की रिपोर्ट के तहत उन्होंने मेरी मम्मी का इलाज प्रारंभ कर दिया। और इलाज के दौरान ही 19 मई 2021 को नाइट में 11 बजे मेरी मम्मी की कोरोना से डेथ हो गई। तो मैंने कोरोना से मृत्यु होने पर अनुदान राशि मिलने के संबंध में आवेदन दिया। तो मेरा आवेदन ब्लॉक से वेरीफाई होकर एसडीओ ऑफिस चला गया। वहां से वेरीफाई होने के बाद मेरा आपदा शाखा चला गया। आपदा शाखा में मेरी मम्मी से कोरोना जो इफेक्ट हुआ था उससे मृत्यु होने के संबंध में उन्होंने मेरे एंटीजन या आरटीपीसीआर रिपोर्ट दी। हेलो, अरे बांका से लड़का है, गणेश की माँ का हुआ है, मेरी माँ है सर। ये हुआ है 19 मई 2021 में डेथ हुआ। ये सुन लीजिए इसकी बात, बात तो पूरा पूरी ना डिटेल आपको आवाज जा ही रहा होगा। सर हमें मोटरसाइकिल बैटरी चालित साइकिल चाहिए और हमें पढ़ाई आगे करनी है, इसी समस्या में आए हैं सर। इसी समस्या के लिए आए थे, लेकिन एक और समस्या है जो मेरी पत्नी को क्या कहते हैं बच्चा है जो डैमेज फील्ड में ही ब्रिगेड है, उसको दिक्कत हो गया है सर। आइए लाइए। सर हॉस्पिटल वाला सर मानने से इनकार कर रहे हैं कि इसका नहीं कर रहे हैं सर। माइक जबकि सर 17 स्वास्थ्य अभी भागलपुर से का इसके पिता का हुआ है कोरोना से भी तो कराकर है देख लिखवा निधि से कोई मुआवजा नहीं। और कई बार यहाँ पटना में चक्कर लगाया कि आपका इसका ईपीएफओ कार्यालय जो है ये कर्मचारी भविष्य निधि वहाँ कई बार चक्कर लगाया डीओ यहाँ पे बिहार सरकार में है, मैं देख लेता हूँ क्या है। आप देख लीजिए,
तीन चार चीजें एक साथ और सर मेरे पिताजी टीचर थे और वो 15 साल पहले लापता हो गए, तो थाना रूम में सब चीज आवेदन और किए, न उनका कुछ पता चला सर, न ही किसी भी प्रकार का पारिवारिक लाभ मिल पाया। तो शिक्षा वाले हेलो, अरे सुपौल से लड़का आया है, इसके पिताजी का 14 साल पहले से लापता है, अब तक इन लोगों को कोई कुछ मिलता नहीं है, 14 साल हो गया तो क्या बात है, ये ना है तुरंत देख ले 14 साल, इसलिए तुम कहे तो 14 साल हो गया पता नहीं, देख ले शिक्षा मेरा नाम स्वीटी कुमारी है, मैं वर्ष 2015 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुई थी, जब मेरा परिणाम आया तो मुझे हिंदी में 0 अंक के साथ अनुत्तीर्ण दिखाया गया, रिजल्ट देखकर मैं और मेरे परिवार वाले व्यथित हो गए, फिर जब मैंने स्कूटनी के लिए आवेदन किया तो मुझे हिंदी में 63 अंक और कुल प्राप्तांक 315 एवं श्रेणी प्रथम आए, उसके बाद मैंने मेरे साथ के अन्य छात्राओं को 10,000 की प्रोत्साहन Thank you.
काहे नहीं हुआ इसका। ये कह रहा है कि 2013 में जनता दरबार में आए थे, तत्काल देखिए क्या दिक्कत हुई, इतना दिन बीत गया, काहे नहीं हुआ उसी समय आया था, उसके बाद में नहीं हुआ तो देखिए जरा। निमा जी बैठी थी लेकिन बेहोश करने वाले डॉक्टर गिरीश सिंह सर वहाँ नहीं आए और जिसके चलते 7 घंटा सर विलम्ब हुआ। 7 घंटा बाद ऑपरेशन हुआ सर और बच्चा आधा घंटा बाद मैडम बताई प्रीमा मैडम कि देखिए बच्चा सांस लेने में उसको प्रॉब्लम है, गंदा पानी पी लिया है, देर से ऑपरेशन होने के चलते सर ऑपरेशन देर से होने के चलते हमारा नाती मर गया सर और इस पर सर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी बेटी को मुआवजा मिलना चाहिए। जानबूझकर सर वहाँ मनमानी हुआ और दोनों डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक में आते। लड़का का मृत्यु हो गया जी, लड़का हुआ सर, नाती का निकाह कर नवजात लड़का का मृत्यु जी सर, मैं लड़का जन्म आधा घंटा तक सांस लिया किस तरह लेकिन सांस लेने में गंदा पानी की देर होने के कारण 2 घंटा ऑपरेशन हो गया तो बच्चा सर बच जाता है एकदम निश्चित रूप से। और उपाधीक्षक महोदय अपना क्लिनिक चला रहे थे, डॉक्टर दिनेश बाबू अपना चला रहे थे, इसका मतलब हेलो, ये बक्सर जिले से आए दलिया अस्पताल डुमराव में अनियमितता की बात कर, इनका नाती का डेथ हो ठीक है सुन Thank you.
नहीं, आपको पेंशन किस चीज के लिए मिल रही है? हाँ, तो ठीक है, क्या हुआ था, कितना मिल रहा था, कैसे क्या हुआ बताइए। अकाउंट पर जाने लगा है सर, कितना पैसा मिलता? 400 रुपया पर जाने लगा सभी लोग क्या करते हैं। दिखवाइए निश्चितता मिलता ही था तो फिर क्या बंद कर, देख लीजिए। उसको काहे नहीं मिलता? नहीं है तो है, बनवे किया स्कीम भी बना हुआ है, तो काहे नहीं इसको मिलता? समाज कल्याण विभाग काहे नहीं कर रहा है? पहले ही कर दिया गया था, अभी तो योजना लागू कर दिया गया था, लागू काहे नहीं हो रहा है? युद्ध करवाई ठीक है, इधर सर स्कीम सैंक्शन हो गया है, उन्होंने कर दिया है सैंक्शन, जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए और जो स्टूडेंट हैं। छात्र छात्राओं को भी स्टाइपेंड दिया जाता है, उसका तो नियम राज्य में जितना होगा वही मिलेगा। नहीं सर, 2019 से बीएससी नर्सिंग शुरू हुआ है बिहार में, तो हम लोग सर पहले बैच के छात्र हैं, तो सर हम लोग भी अरे नाम चेंज नहीं किया है, तो आप पूछ रहे हैं सर।
जलसा प्रखंड में 7 अगस्त 2021 को मैं काउंसिलिंग के लिए गया हुआ था, ठीक है। तो मुझे ना बुलाकर हमसे काफी दूर वाले जो कम मेरा अंक है उनको बुला के ये सिलेक्ट कर लिया गया। बाद में ये विधानसभा में क्वेश्चन उठा तो फिर इसमें जांच बैठी तो साबित पाया गया कि हम सही थे, हमको बुलाना चाहिए था। और बैकडोर से सर मेरी समस्या ये है क्या मेरे चिकित्सालय का निर्माण पूरा नहीं किया लगता सर, तो दो बस तो बस देखो सर नमस्कार। पिताजी मेरे शिक्षक थे दरभंगा जिला में, जिनका अप्रैल 2021 में सर डेथ हो गया कोविड के कारण। उसके बाद से सर लगातार विभाग में शिकायत करते रहे, पेंशन के लिए आग्रह करते रहे। अभी सर पिछला 14 महीना के बाद तो पिछले 2-3 महीना पहले पेंशन चालू हो गया था, चालू हुआ लेकिन उनका जो वेतन था सर उसको कम करते हुए लगातार 12,000 रुपया कम कर दिया गया वेतन, और बाकी सारे लोगों का वैसा ही जो उनके साथ थे उनका वैसा ही वेतन में चल। लेकिन उसके पिता जो थे ना उनका डेथ हो गया, द्वारा उनका जो सैलरी था उसको कम करके ही लेने की बात कर रहा है। थोड़े देख लेते द्वारा पत्रांक 85 दिनांक 25/8/2019 4,00,000 रुपया अनुग्रह राशि प्रणाम सर। सर मैं मुझे बुला रही थी आपका पेंशनर थे, जो भी पैसा उनका जमा हेलो अरे देख लीजिए उसको, द्वारा सीतामढ़ी से पिता की मृत्यु के पश्चात बैंक में जमा पैसा पुत्र को बैंक द्वारा नहीं मिल सकता क्या, अब देख लीजिए ना देखते हैं जाइए वहां पिता को बैंक का जमा पैसा उसी का बैंक में भेज दिए जाइए। जी सर मेरा भाई को मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत जो राशि होती है वो अब तक प्राप्त नहीं। काहे प्लस साइकिल करा
माल है का पैसा तो इसको नौवे क्लास में ढूंढ दिया जाता है जी हाँ। उसको मिला ही नहीं पैसा और लोगों को मिला। हम शिक्षा विभाग को नहीं कह रहे इसको जरा इसका पूरा बात करके जरा पूछिए तो ऐसा भी कहीं संभव है जिसको राशि दे रहे हैं इतना पुराने जमाने से इतना समय से शुरू कर 7-8 से शुरू करे उस समय से 7 के बाद से शुरू कर दिया तभी कहे सफल कर आप अभी 2022 में भी मैट्रिक का परीक्षा इसको मिला इसकी आया है तुरंत दिखाइए जाओ बताओ क्या है सर। मेरा नाम विकास कुमार है सर। हमने मैट्रिक ट्राई साइकिल के लिए इतना बड़ा आवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जहाँ जाते थे सरकार कहाँ कहते थे ये कागज नहीं है वो कागज नहीं है हमें वहाँ से हटा दिया जाता था। इसीलिए हम पढ़ाई लिखाई इंटर में 2 नंबर से 100% तुरंत मिल जाएगा। अभी तक काहे नहीं मिल रहा है अच्छा सवाल दिखवाई तुरंत मतलब समस्तीपुर से टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुझे मतलब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से डीएलएड कर रही फिर तो मैंने हिंदी लड़का पास ही तब से प्रेम विवाह किया है जिसके कारण मुझे डीएलएड में फॉर्म भरने नहीं दिया गया था। ठीक है शिक्षक तो मामला कृषि विश्वविद्यालय का है उषा वाला जो कृषि विश्वविद्यालय उसका काफी अच्छा है वो विश्वविद्यालय तो उसमें कंपा के आधार पर नियुक्त है केंद्रीय राजकीय विश्वविद्यालय क्या किस पद पर कर किस पद पर कर Thank you.
विश्वविद्यालय कहीं पर कृषि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के हिसाब से आज शिक्षा गलत है इसको तो देख लीजिए कहा नहीं मिला इतना दिन हो गया है तो मिलना तो चाहिए था कृषि वाले से बात सर ये प्राथमिक विद्यालय है मेरे सर उसमें उसको कर्मित करने की कर्मित करने को लेकर सर कुछ बच्चे हैं वहाँ पे टीचर की भी कमी है आइए क्या अनियमितता बरतता आंगनबाड़ी केंद्र पर अनियमितता क्या बरतला देखिए सर केंद्र में सर गलत बहाली किया गया है सर बाहुल वर्ग किसी और का है और बहाली जो है किसी और का कर दिया गया बार बार हम आवेदन से डीपीओ और डीपीओ को भी दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हेलो ये एक लड़की आई है यहाँ की है रोहतास की बता रही है कि जागीर चौधरी मेमोरियल कॉलेज रोहतास ई कल्याण के वेबसाइट से नहीं जुड़ा गया ऐसा मिल नहीं रहा देखिए थोड़ा आइए तो इनको दो आइए इसके लिए तो हम सब नमस्कार सर मैं गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ सर 2017 में सर पायलट ट्रेनिंग के लिए मैंने वहाँ एडमिशन लिया था सर वहाँ पे मतलब कि आर्थिक स्थिति और मतलब कि अनुसूचित जाति में होने की वजह से और 10वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स की वजह से मुझे सीगल स्कॉलरशिप के लिए पोस्ट मैट्रिक के लिए चुना गया था
पदाधिकारी आई डायरेक्ट चयन रद्द कर दी जांच छिपा कर। डीएम साहब के पास कंप्लेन किए तो डीएम साहब बोले कि हम आपके आवेदन पर जांच करवा रहे हैं। इनका फिर आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए मिलता है समाज कल्याण को तो चौथा आ गया टोटल 12-13 सर। नियोजन हेतु रेलवा बहुवारी पंचायत ने अप्लाई किया मेरा स्वैच्छिक योग्यता और 1,00,000 योग्यता मिलकर नेगा सूची में मैं ऊपर हूँ। मेरे तो शिक्षक को तो शिक्षक में अपने पिता के साथ था शिक्षक जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुकी हुई है। लड़का आया ये पश्चिम चंपारण से, इसको भी स्टूडेंट प्रूफ क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलता, इसको देख लीजिए। तो आइए अरे सुनता है नहीं बैटरी चार्ज मिल रहा हो गया है। अरे बैटरी ये राज्य साइकिल आए हो गया इसका दिल्ली जब समाज कल्याण वाला बता रहे मिल जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र से विज्ञापन निकाला गया वार्ड नंबर 8 में आशा बहाल की चिकित्सक प्रभारी मुख्य प्रतिनिधि वार्ड नंबर 9 के महिला के जिसके विरुद्ध में सर 2018 से दौड़ कार्य अधिकारी के पास सर आवेदन दिया है लेकिन इसके पीछे कोई सचिव
हेलो, ये व्यक्ति आए हैं औरंगाबाद से, आशा सेन की नियुक्ति बनी है मेहता के साथ, देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका, देख लीजिए, बात कर लीजिए, आइए। अब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें से वो अब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोकड़ाम और रानीपुर 82-83 से चालू है और का अभी कहीं अता पता नहीं है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अश्विनी चौबे जी और निकाया हुआ है दरभंगा से, तो ये जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बहरी से, वहाँ पर चिकित्सक और अन्य कर्मियों के पदस्थापन नहीं, देख लीजिए। आई सर 2019 में मेरी पत्नी ग्रेजुएशन पास की थी, लेकिन अभी तक उनका प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाया है, और सर जब ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं तो पेमेंट कम बता रहे हैं। ग्रेजुएशन की थी, शिक्षा विभाग को हेलो। अरे भाई, दरभंगा से एक व्यक्ति है, अब इसकी पत्नी जो है 2019 में ही पास कर चुकी है ग्रेजुएशन, स्नातक पास की, प्रोत्साहन राशि अभी तक उसके खाते में नहीं है। हमारे यहाँ का समय समाप्त हो गया, तो मैंने तो मैं भाई चांसलर महोदय से निवेदन किया कि हमारे गोवर्धन बटी का कॉन्स्टिट्यूशन 10% फ्री को बनाया, लेकिन इन्होंने वैसे ही व्यक्तियों के साथ में फिर बनाया, जो इसी गोवर्धन बटी के मेंबर और सचिव और प्रचार्ज रहते हुए उन लोगों ने जेल तक गए हैं, हाईकोर्ट के निर्देश पर सारा कार्य हुआ है, अभी भी निगरानी केस चल रहा है, इन लोगों ने बना करके फिर वैसा ही काम किया और इंटरमीडिएट के ग्रांट को इन लोगों ने फिर वैसा ही बांटा जैसे पहले बांटे थे, और 18 ऐसे व्यक्ति जो अपने पूरे फुलफिल को नहीं कर रहे थे अपने कार्य को मापदंड को, उनको भी अनुमोदन विश्वविद्यालय ने दे दिया। ठीक है, दुबई से आते हैं, ठीक है, बताइए। समाज कल्याण विभाग बोले थे ना, केस आ गया ऐसा बात, क्यों नहीं मिल रहा है समाज कल्याण बोले,
कई मामला आ गया है। हेलो, अरे कितना ही मामला आते चला जा रहा है। दिव्यांग जन के ट्राई साइकिल देने के संबंध में वो कह रहा है आपका तो स्कीम ही है बिल का। पूरा देखिए देखिए देखिए, सब जब आ गया है तो उसको देखिएगा ना भाई। चलिए आज आ रहा है काफी ऐसा क्वेश्चन। कमाले है भाई, इसको दीजिए वहां। अरे वो तो ठीक है, तो जाकर कर देखिए और पापा के बारे में देखिए। शिक्षक शिक्षा विभाग के सचिव को लगाइए। हेलो, अरे ये एक महिला आई है सेवा के दौरान सहायक शिक्षक के पद पर मृत्यु हो गई। कौन आपके कौन थे आपके पति थे कौन थे? जो अनुबंधित आंध्र बिहार सरकार निर्धारित की है सर, उसी में हम लोग को भी शामिल किए हैं। फार्मासिस्ट ही है सर, उस विभाग में भी इस विभाग में समान रूप होना चाहिए सर, मानदेय के हमारे साथ सर डॉक्टर साहब लोग भी थे तो उनका मानदेय इक्विवेलेंट कर दिया गया सर, हम पीछे रह गए। किसी का मेरा दोनों लड़के का सर हार्ट ब्लॉकेज का समस्या है।
हम अपील किए थे यहाँ पे, एक साल हो गया तो अभी सुनवाई हुआ है। ज्यादा इमरजेंसी था तो कर्जा लेके सर उसका इलाज करवाया सफदरजंग हॉस्पिटल ओपन हार्ट सर्जरी। मेरे छोटी बच्ची है 2 साल का, उसको भी हल्का इफेक्ट है, हार्ट का प्रॉब्लम है। अभी सब काम जांच कराने में सक्षम नहीं है, हमको आर्थिक मदद की जरूरत है। पेपर जमा किए थे संपर्क का सर, क्योंकि जब ही जाते हैं, जब 2 दिन का 1 हफ्ता का ऐसा टाइम देते जा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं। ये लगा कि सर दूसरी बार फिर से इस बार सिलेक्शन के टाइम से कंप्यूटर नाम नहीं देने के लिए सर ऐसे सर कंटिन्यू सर इस साल भी प्रॉब्लम ऐसी देते हैं जो लॉजिस्टिक का लिए ठीक है। मैं डिटेल बताइए कला संस्कृति को तो ठीक है। आंगनबाड़ी सेविका के अनियमितता कह दीजिए समाज के ऑलरेडी आज काफी संख्या आई, पहले ही कह चुके हैं। देखिए ये भी देखिए सूखा है नहीं मिलता कहानी नाम है मेधा सूची क्यों नहीं उसके साथ दिखवाई हो आंगनबाड़ी सेविका के बाहर सर मेरे नाम सुलेखा कुमारी है, निवासी प्रखंड से आई हूँ। मैं सर आंगनबाड़ी सेविका हूँ। 2014 के दिसंबर में प्रेस वैकेंसी के माध्यम से सर वैकेंसी निकला, उसमें तो
2017 में मैट्रिक पास किए थे फर्स्ट ईयर से, तो 10,000 रुपया मिलना था उसको, सर अभी तक नहीं मिला। आवेदन लिखने के लिए बोला, डिस्ट्रिक्ट में भी दिए, स्कूल में भी दिए, पर कुछ इन्वाइट ठीक आई दोस्त। सर मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और कोरोना काल में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाया था जम्मू जिले में पूजा में, और एक पैसा भी नहीं मिला या कहकर नहीं मिला कि बच्चे नहीं दिए हैं, जबकि बच्चे से पैसा सख्ती पूर्वक पैसे लिए गए हैं सर। इससे हमारी परेशानी काफी ये बड़ी है कि हमें गरीब परिवार से बिलोंग करते, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन पर काफी दुष्प्रभाव पड़ा है सर। और कोरोना काल में जो हमको राशन मिल रहा था वही काफी मेरी जीविका का साधन दे रहा है सर। सर हम दो बात के प्रति मैं दो बात और सुनाना चाहता हूँ। क्या बोलिए राष्ट्रहित के प्रति मैं सर अभी तक बात सुनाना चाहता हूँ। मैं सदर अस्पताल में जाता हूँ सासाराम, तो काफी जगह वहाँ शौचालय खराब रहता है। मैं कहता हूँ तो होता है, पंखे नहीं है सर, सीएस को सुनाता हूँ तो होता है, लेकिन जैसे तैसे हो जाता है। मैं कैमूर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, हनुमंडी अस्पताल की, अभी 9 तारीख को हम गए थे, वहाँ सब कुछ पानी ही नहीं है। अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सीएस को भी इसकी खबर कर दी तो कुछ उस पर करवाई नहीं थी। मैं कुदरे की बात कर रहा हूँ, कैमूर कुदरे की बात कर रहा हूँ, बराबर डॉक्टर क्या हॉस्पिटल में समस्या है जी, तो मैं वो भी रख देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, वो रखना तब देते तब न जी, श्रम संसाधन का आपका है, आइए ना आप आइए, इसको पैसा उसके बाद दे दीजिएगा, हेल्थ को भी दे दीजिए।